हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं तुलजापुर का फेमस तुलजा भवानी मंदिर। तुलजापुर जाने के लिए सोलापुर तक ट्रेन से सफ़र करना पड़ता है, फिर बाद में सोलापुर से तुलजापुर लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर है। सोलापुर से तुलजापुर बाय रोड आप जा सकते हैं, एक घंटे की जर्नी में पहुंच सकते हैं। ये तुलजा भवानी का तुलजापुर का भक्त निवास देख सकते हैं। इधर देखिए, ये जो मेन एंट्रेंस है, मेन तुलजा भवानी मंदिर का मेन एंट्रेंस, इसको छत्रपति शाहजी प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में स्थित है तुलजापुर। तुलजापुर ये ऐसा स्थान है जो छत्रपति शिवाजी महाराज की कुलदेवी माँ तुलजा भवानी का स्थान माना जाता है और जो महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के कई लोगों के कुलदेवी के रूप में प्रचलित है। तुलजा भवानी महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों में से एक है तथा भारत के प्रमुख 51 पीठ जो है उसमें से भी एक मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि तुलजा भवानी माता ने छत्रपति शिवाजी महाराज को खुद तलवार भेंट की थी, उसको भवानी तलवार के नाम से जाना जाता है और ये तलवार अभी लंदन के संग्रहालय में रखी गई है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही पहले कल्लोल तीर्थ स्थित है जिसमें 108 तीर्थों का पवित्र जल सम्मिश्रण किया गया है। इसमें उतरने के पश्चात थोड़ी दूर पर गोमुख तीर्थ स्थित है जहां जल तीव्र प्रवाह के साथ बहता है। तत्पश्चात सिद्धिविनायक भगवान का मंदिर स्थापित है। तत्पश्चात एक सुसज्जित द्वार में प्रवेश करने के पश्चात मुख्य कक्षा गर्भगृह में माता की स्वयंभू प्रतिमा स्थापित है। यह मंदिर हेमाडपंथी शैली में कंस्ट्रक्ट किया गया है। यह मंदिर महाराष्ट्र के प्राचीन दंडकारण्य वन क्षेत्र में स्थित यमुनांचल पर्वत पर स्थित है। ऐसी जनश्रुति है कि इसमें स्थित तुलजा भवानी माता की मूर्ति स्वयंभू है। इस मूर्ति का एक और यह खास बात है कि यह मंदिर में स्थायी रूप से स्थापित न होकर चलायमान है। साल में 3 बार इस प्रतिमा के साथ प्रभु महादेव, श्रीयंत्र तथा खंडरदेव की भी प्रदक्षिणा पथ पर परिक्रमा करवाई जाती है। इस मंदिर में लगभग हमेशा भीड़ रहती है तो स्पेशली मंगलवार और शुक्रवार के दिन यहाँ ज़्यादा भीड़ रहती है। हालांकि अंदर में शूटिंग करना मना है, इसलिए हमें मंदिर का बाहर का दृश्य ही देख रहे हैं। गर्भगृह के पास एक चांदी का पलंग स्थित है जो माता की निद्रा के लिए है। इस पलंग के उल्टी तरफ शिवलिंग स्थापित है जिसे दूर से देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि माँ भवानी व शिवशंकर आमने सामने बैठे हैं। ये देख सकते हैं आप मंदिर का आजू बाजू का परिसर कैसा दिख रहा है, आसपास का परिसर कैसा दिख रहा है। यहाँ मंदिर में दर्शन लेने के लिए काफी टाइम लगता है, लाइन लगानी पड़ती है। सुबह 4 बजे से कुछ लोग लाइन लगाते हैं, अभिषेक वगैरह करवाना है तो सुबह 4 बजे से ही लाइन लगानी पड़ती है। इस तुलजा भवानी प्रतिमा का वर्णन मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती नामक अध्याय में उल्लिखित है। इस ग्रंथ की रचना स्वयं श्री मार्कंडेय ऋषि ने की थी। इस अध्याय में कर्म, भक्ति, ध्यान से संदर्भ में ज्ञान है। इस प्रतिमा की ऐतिहासिकता का दूसरा स्रोत भगवद गीता में भी है।
ध्वजा भवानी की कथा ऐसी मानी जाती है कि कृतयुग में करदम नामक एक ब्राह्मण साधु थे जिनकी अनुभूति नामक अत्यंत सुंदर और सुशील पत्नी थी। जब करदम की मृत्यु हुई तब अनुभूति ने सती होने का प्रण लिया, पर गर्भवती होने के कारण उन्हें यह विचार त्यागना पड़ा तथा मंदाकिनी नदी के किनारे तपस्या प्रारंभ कर दी। इस दौरान कुकर नामक राजा अनुभूति को ध्यानमग्न देखकर उनकी सुंदरता पर आसक्त हो गया था तथा अनुभूति के साथ दुष्कर्म करने के लिए प्रयास किया। इस दौरान अनुभूति ने माता से याचना की और माँ अवतरित हुई। तो माँ के साथ युद्ध के दौरान कुकर एक महिष रूपी राक्षस में परिवर्तित हो गया और महिषासुर कहलाया। माँ ने महिषासुर का वध किया और यह विजयादशमी कहलाया, इसलिए माँ को त्वरिता नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये प्रार्थना करने के बाद त्वरित प्रकट हो गई थी। त्वरिता मराठी में इसको तुलजा भी कहते हैं। आप ये सामने चिंतामणि देख सकते हैं। इस मंदिर से जुड़ी एक जनश्रुति ऐसी भी है कि यहाँ एक चमत्कारिक चिंतामणि नामक पत्थर विद्यमान है जिसके विषय में यह माना जाता है कि यह आपके सभी प्रश्नों का उत्तर सांकेतिक रूप में हाँ या नहीं में देता है। यदि आपके प्रश्न का उत्तर हाँ है तो आपको दाहिनी ओर मुड़ जाता है, और यदि आपके प्रश्न का उत्तर नहीं है तो ये आपकी बाईनी ओर मुड़ जाता है। ये मंदिरों में देख सकते हैं आप, ये काफी भीड़ है। मंदिर का शिखर आप देख सकते हैं। देवी की मूर्ति शालिग्राम पत्थर में निर्मित स्वयंभू मूर्ति मानी जाती है। इस मूर्ति के 8 हाथ हैं, जिसमें एक हाथ से उन्होंने दैत्य के बाल पकड़े हैं तथा दूसरे हाथ से दैत्य पर त्रिशूल से वार कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि माता महिषासुर राक्षस का वध कर रही है। माता की दाहिनी ओर उनका वाहन सिंह स्थापित है और इस प्रतिमा के समीप ऋषि मार्कंडेय की प्रतिमा स्थापित है जो पुराण पढ़ने की मुद्रा में है। माता के 8 हाथों में चक्र, गदा, त्रिशूल, अंकुश, धनुष व पाश आदि शास्त्र सुसज्जित है। यहाँ आप दुकान देख सकते हैं। इस दुकान में भक्तों द्वारा देवी को अर्पण की गई साड़ियाँ और देवी को पहनाई गई साड़ियाँ प्रसाद के रूप में मिलती है। अगर आप चाहें तो प्रसाद के रूप में यहाँ साड़ियाँ ले सकते हैं। इस मंदिर में नवरात्र उत्सव काफ़ी उत्साह के साथ और जोर शोर से मनाया जाता है। अश्विन शुद्ध प्रतिपदा से पूर्णिमा तक काफ़ी सारे धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में घर में कोई भी शुभ कार्य होने के बाद में देवी को गोंधल पूजा करने का रिवाज है। कुछ लोग अपने घर भी डालते हैं और कुछ लोग जिनको पॉसिबल नहीं हुआ वो यहाँ मंदिर में आके गोंधल पूजा करते हैं। ये आप देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ गोंधल पूजा कर रहे हैं। इस मंदिर में आप हाथ देख सकते हैं, बैठने के लिए काफ़ी जगह बनाई गई है, सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। अभी ये मंदिर में मंगलवार, शुक्रवार या फिर कोई वीकेंड है, संडे है, हॉलीडे है, उस दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। अगर आपको वहाँ जाना है तो प्रॉपर प्लानिंग करके जाना है। ये देखिए अभी मंदिर के बाहर का परिसर, काफी दुकानें वगैरह लगी हुई है।
आप देख सकते हैं प्रसाद वगैरह पूजा साहित्य का सब दुकान वगैरह लगे हुए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।